हम आज पहलगाम की खूबसूरत वादी में हैं। हम यहाँ पे एक ऐसे वॉलंटियर ग्रुप से मिले जिन्होंने अपने ग्रुप का नाम माजिद सुकाल रखा है। मैं ट्रैकिंग करता हूँ फ्रॉम सेवेंथ ग्रेड। आई हैव बीन ट्रैकिंग। माय फादर वाज अ माउंटेनियर। वो माउंटेनियर थे, उन्होंने कुछ पीक्स की है समिट। तो ट्रैकिंग के साथ जैसे जैसे मैं चलता गया वैसे नेचर भी मतलब क्लोज होता रहा। तो फिर मैं एक बार कोल्हे ग्लेशियर चला गया, तो इट्स अ हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस। तो मैंने कोल्हे ग्लेशियर में देखा कितने मतलब ग्लेशियर के बिल्कुल ऊपर कितने रैपर्स है, प्लास्टिक बोटल्स। तो वहाँ से स्ट्राइक हुआ कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। पिछले साल एक ग्रीवेंस सेल, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीवेंस सेल ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कि हमें कुछ इंटर्न्स चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया, वी हैड इंटरव्यू, तो उसमें निकल गया। तो उसके बाद वहाँ मुझे बोला कि आप किसके साथ काम करना चाहिए। मेरा ऑलरेडी एनवायरनमेंट का था, तो मैंने कहा कि आई डू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बाकी फैक्ट फाइंडिंग होगी थोड़ी, पहलगाम में कैसे होते हैं काम, कैसे पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें करूँगा। तो उसी के साथ फिर मैंने ये ले लिया कि मैं यहाँ से गया था अमरनाथ ट्रैक जो है, कुछ महीने पहले वहाँ गया था, एक महीने पहले। तो मैंने देखा कि वहाँ मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस जगह पर इतनी गंदगी होगी। मतलब अनंतनाग टाउन में उतनी गंदगी नहीं होगी जितनी ऊपर शीशनाग में है या पूरे रास्ते में। तो और देखा कि अब मैंने ऐसे रिसर्च किया कि होता है कुछ सफाई वफाई। तो मैंने जो पोनी वाले रहते हैं वहाँ पर, टेंट्स वाले रहते हैं, उनसे पूछा कि क्या होता है यहाँ पर। तो आई वॉज़ रियली शॉक। कुछ लोगों ने इतना भी बोला कि हाँ जमा करते हैं, हम जमा करके शीशनाग लेक में डालते हैं, और बाकी जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो मैं सोचा चलो देखते हम कितना कर पाए। तो मैंने यहाँ कुछ लड़के छोटे छोटे कॉलेज जाते कुछ कुछ हायर सेकेंडरी में, तो उनसे मैंने आइडिया शेयर किया कि ऐसा है ये करना चाहते। तो सब ने बोला कि हाँ ठीक है हम करेंगे। तो हम कुल 10-20 लड़के हो गए और हमने स्टार्ट किया अपना चंदनवाड़ी से। और हमें स्पॉन्सर किया था, कुछ चाहिए था, तो फिर हमारा शुरू हो गया चंदनवाड़ी से। चंदनवाड़ी से शुरू किया हमने अब तो शीशनाग लेक। तो हम 3 टर्न में गए क्योंकि बहुत सारा था, तो 1 टर्न में मुश्किल, इंसान सोच भी नहीं सकता कि कैसे करते हैं लोग, कैसे फेंकते हैं उनको। वरना इनके लिए ये मतलब रिलीजियस जगह है, इनके लिए एक टेम्पल है वो, और उसी को ये गंदा करते हैं। इतना गंदा था मतलब देखने लायक भी नहीं था। देखने लायक क्या मतलब रास्ता भी नहीं था चलने के लिए, इतने पॉलिथीन, इतने बोटल्स, पूरा की पूरा गंदा था वहाँ पे। जो हमारा माजिद साहब है मतलब उसको एनवायरमेंटल की तरफ ज़्यादा ही ध्यान है क्योंकि वो एनवायरमेंट पढ़ते भी थे। उन्होंने ही हमें ये फिर बताया अपने फ्रेंड सर्कल में, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए। बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर अगली बार आएगा कोई मतलब यात्री जाते हैं, उनको तो हर साल आना ही है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके आप आइए, हम आपका वेलकम करते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा पोल्यूशन मत करिए। अपने जो ये पार्ट है अभी जो आउटसोर्स किया, ये मतलब आगे नहीं होगा, लेकिन जो पिछला वहाँ पे डैमेज है उसका कुछ करना है। जैसे शीशनाग लेक है, इट्स अ फ्रेश वाटर लेक, और बहुत मतलब इनके हिंदुज़म में बहुत उनका मायने रखता है, इट्स लाइक ए टेम्पल टू देम। तो वहाँ मैंने पिछले साल देखा वहाँ से घास उग रही है थोड़ी थोड़ी, यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। मार्श मे बी इट विल टर्न इनटू मार्श। और जो ये शीशनाग लेक है जो यहाँ से आपका ये लेदर रिवर बहता है, ये एक तो शीशनाग सोर्स है और दूसरा यहाँ से पलाय, तो एक सोर्स ख़त्म होने को। हमें चाहिए कि हम ऐसे सुकाड़ को आगे ले जाएं जो इनका काम है, इसकी सराहना करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ग्रुप्स को आगे बढ़ाने में कोशिश करें, ताकि जो हमारी ब्यूटी है, जो जिसके लिए हमारा कश्मीर माना जाता है, पहलगाम माना जाता है, उसको बरकरार रखा जाए। पहलगाम जम्मू कश्मीर से, कश्मीर अनहद के लिए मैं हूँ रईस।